दिस इज भारती एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। आज की क्लास में डिस्कस करने वाला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन का। बहुत इजी टॉपिक है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है मेजर ऑफ डिस्पर्शन, बहुत इजी चैप्टर है। हमने समझ लिया कि डिस्पर्शन होता क्या है, रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, बट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे करते हैं आज वो सीखेंगे। बहुत इजी मेथड है, जस्ट टेक आउट योर नोटबुक्स, बहुत इजीली कर पाओगे। आज की क्लास में जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का करने वाले हैं। कौन सी सीरीज का? इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है? जिसमें सिर्फ x की वैल्यूज दे रखी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी इंटरवल्स ना हो, उन्हें क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। देखो क्वेश्चंस में क्या है, सिर्फ x की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज दे रखी है, कहीं भी फ्रीक्वेंसीज नहीं दे रखी। तो जो आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। फिर कल की क्लास में डिस्क्रीट, फिर कंटिन्यूस पे चलेंगे, आज इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे। क्लियर है चीज? फटाफट से फॉर्मुला नोट डाउन करो, जैसे हम करते आए हैं, पहले फॉर्मुला समझेंगे इसका और फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट, दैट विल बी समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। बहुत सिंपल है, समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। कईयों के बुक्स में क्या होगा, यहां आई दे रखा होगा, आई वन टू एन होगा, ये आई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप ये फॉर्मूला भी करोगे, गलत नहीं है। समझ आ गई चीज? बिल्कुल सिंपल, ऐसे फॉर्मूला लर्न करोगे, बहुत आराम से क्वेश्चंस होंगे। अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, आप ये फॉर्मूला एग्जाम में भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज सिग्मा। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन क्या होता है? सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू, सेम लिख रही हूं, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। एस डी इज इक्वल्स टू लिखो, या फिर इसका सिंबल क्या है, सिग्मा। सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। समझ आ गई चीज? अब ये x बार क्या है, दैट इज मीन। x बार क्या है, मीन है। n क्या है, कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स दे रखे, राइट। तो अगर 5 टर्म्स दे रखे हैं तो ये n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। जितनी टर्म्स क्वेश्चन में दी होंगी उससे n पता लग जाएगा। x बार मीन हम निकाल लेंगे, फॉर्मूला में डालेंगे, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये चीज क्लियर है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया निकालना। तो हेडिंग दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उस पर स्टार लगा के नीचे लिखोगे फोर इंडिविजुअल सीरीज। आज किसकी बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। इसमें ये फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला लिखा है, एक एस डी इक्वल टू लिख दे, सिग्मा इक्वल टू, दोनों मतलब एक ही फॉर्मूला है बट सिंबल अलग अलग लिखे हैं मैंने। क्लियर है चीज? करें फिर कैलकुलेशन स्टार्ट। चलिए फिर फटाफट से देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का यही फॉर्मूला है। चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अभी हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन नहीं आता, अभी सिर्फ हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना आता है। वो कह रहे हैं इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, बहुत सिंपल है। देखो सबसे पहले आप x नोट कर लो, अपने पास क्या क्या है, 11 14 15 17 18, सबसे पहला काम होता है x को नोट करना, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला क्या था जल्दी से बताओ, अंडर रूट एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। ध्यान से फॉर्मूला, मुझे यहाँ से क्या क्या चाहिए वो निकाल लो, क्या क्या चाहिए मुझे यहाँ से, x चाहिए, x बार चाहिए, मुझे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, है ना, चाहिए ना स्क्वायर, इसका समीशन चाहिए, और क्या चाहिए, n चाहिए। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। कैसे पता लगाते हैं क्या क्या चाहिए, आप समीशन के अंदर देखो आपको क्या क्या चाहिए, x चाहिए था, x बार चाहिए, वो ये रहा, मुझे इनके माइनस का स्क्वायर चाहिए, वो ये रहा, समीशन भी लिख ली मैंने और यहाँ पे n आ गया। बहुत सिंपल है, समीशन से डरना नहीं। समीशन का मतलब जब आप x माइनस एक्स बार का कॉलम बनाओगे ना, उसको ऐड कर देना। समीशन का मतलब क्या होता है, ऐड कर देना, इस समीशन से नहीं डरना, ठीक है। ये सिग्मा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन, ये समीशन होता है, दिस इज सिग्मा, दिस इज समीशन, ठीक है। अब आगे देखो, दिस इज द x, अब मुझे क्या चाहिए, x मिल गया, अब मुझे क्या चाहिए, x बार। x बार कैसे निकलता है जल्दी से बताओ, सारी टर्म्स को ऐड कर दो और जितनी ये टर्म्स है उनसे डिवाइड कर दो, 11 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, 5 से करो, मुझे फटाफट से बता दो कि x बार क्या है, जल्दी से बताओ,
कैलकुलेटर्स है आपके पास, जल्दी से बताओ, दैट विल बी जल्दी से 15 आ रहा है, मुझे बताओ फटाफट से, मेरे पास 15 आया, आप चेक करो क्या x बार 15 आया आपके पास, जल्दी से साथ साथ कैलकुलेशन करो, आया दैट विल बी 15, तो x बार कितना हो गया 15, x क्वेश्चन में दे रखा है, x बार 15 आ चुका है, अब मुझे चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर, मैं x माइनस x बार का स्क्वायर निकालूंगी, पहले x माइनस x बार तो निकाल लूँ, स्क्वायर पे बाद पे जाऊंगी, पहले x माइनस x बार निकालती हूँ, मतलब हर एक x में से x बार माइनस कर दो, x बार कितना है 15, 11 माइनस 15 दैट विल बी माइनस 4, 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 17 माइनस 15 दैट विल बी माइनस सॉरी प्लस 2 एंड 18 माइनस 15 3 आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत बताओ, x माइनस x बार तक समझ आ गया, अब मुझे क्या चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर का समीशन, समीशन तो बाद में निकालूंगी, पहले x माइनस x बार का स्क्वायर निकाल लूंगी, निकालने फटाफट से यहीं पे जल्दी से निकालते हैं, दैट विल बी x माइनस x बार का स्क्वायर, बहुत सिंपल, अब 4 का स्क्वायर 16, 1, 0, 4, 9 आ जाएगा, क्लियर है चीज, अब चलते हैं फॉर्मूला पे, टेबल हो गया हमारा रेडी, अब फॉर्मूला पे चलते हैं, बहुत सिंपल है फॉर्मूला, ध्यान से देखना, फॉर्मूला क्या कहता था ध्यान से देखो, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, एन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, एन तो है 5, अब समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए, ये एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर है, इसका समीशन चाहिए, मतलब इनको ऐड करना है, अगर आपको समीशन चाहिए एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब इनको क्या कर दो, ऐड कर दो, 16 प्लस 1 17, 21 30, दैट विल बी 30, क्लियर है चीज, तो यहाँ पे इनको ऐड करके कितना आया 30, ये है क्या 30, जिसका कॉलम होता है उसका समीशन है ये, मतलब समीशन x माइनस x बार का स्क्वायर 30 आ रहा है, ये बात क्लियर है, आपको कभी भी किसी का समीशन चाहिए यहाँ पे, तो आप उसका पहले कॉलम बनाओ, x माइनस x बार का मैंने कॉलम बनाया स्क्वायर का, उसको ऐड किया, वो उसका समीशन बन जाता है, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 आ चुका है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 30, क्या बन गया 30/5, दैट विल बी 5 और ये 6, अंडर रूट 6, जल्दी से 6 प्रेस करो कैलकुलेटर पे और फिर अंडर रूट प्रेस करो, मुझे बताओ रूट 6 कितना आ रहा है, जल्दी से बताओ रूट 6 कितना आया, 2 पॉइंट जल्दी से बताओ 2.449 समथिंग आ रहा होगा सबके पास, देखो 2.449 समथिंग आ रहा होगा, राइट, दैट विल बी 2.45, अगर आप 2.44 लिखना चाहते हो तो भी गलत नहीं है, क्योंकि बाद में 9 आ गया 449, तो बुक में 2.45 भी वो लिख देते हैं, आपकी मर्जी है, तो ये आंसर आपका रहने वाला है, क्या ये टफ है, सो ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आ गया, क्या इसमें कुछ टफ था, ये रहा इसका टेबल जिसमें सिर्फ 3 कॉलम्स बने आपके पास, वैल्यूज निकाली, फॉर्मूला में डाला, आंसर मिल गया, इज़न्ट इट सिंपल, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना ईजी है ना, अब इसके बाद कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा गया था, आई होप आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छे से क्लियर है, अब निकालते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, चले आगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, चले फिर, चलो फिर मैं रब कर रही हूँ इसको, नेक्स्ट इज कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन, इसी सेम क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है, नाउ अब फॉर्मूला नोट करो, कोफिशियंट ऑफ, देखो पहले तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन पे जाते हैं, पहले कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नोट करो, अगर आपको कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दैट विल बी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, ये फॉर्मूला नोट करो, आज की क्लास का सेकेंड फॉर्मूला है ये, फर्स्ट फॉर्मूला मैंने करवाया था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं अपॉन एक्स बार जो मीन हमने कैलकुलेट किया था, उसके बाद थर्ड फॉर्मूला आज की क्लास का, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आपको एक बार लिखने से फॉर्मूला लर्न हो जाते हैं, अभी आप नोट कर रहे हो ना, एक बार लर्न करके इसको लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना, कभी नहीं भूलोगे, जब मुझे लर्न हो सकते हैं तो आपको क्यों नहीं लर्न हो सकते बताओ मुझे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, सेम कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, बस एक 100 आ जाता है, सेम फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वाला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू क्या आ जाएगा 100, बस 100 आता है और कोई डिफरेंस नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100, इसमें कोई दिक्कत, क्लियर है चीज, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता लग गया, 3 फॉर्मूलाज आज सीखे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन,
वेरिएशन, ये नोट कर लेना, एंड में समराइज भी करवाऊंगी, ठीक है। चले आगे। अब इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ इसी सेम क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा था। ये रहा फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100। जल्दी से कर दो फटाफट से। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ चुका है, कितना है, दैट इज 2.45, ठीक है, अपॉन एक्स बार। एक्स बार कितना था जल्दी से बताओ, दैट वॉज 15 × 100, ठीक है। आप 2.45 अपॉन 15 × 100 ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, 16 point something आएगा, परसेंटेज लगा लेना साथ में, 16 point something आएगा, परसेंटेज लगा लेना। मैंने एक एक क्वेश्चन कैलकुलेट किया हुआ है, कुछ भी इसमें गलत नहीं होने वाला, बिल्कुल प्रॉपर आराम से चलो। यहाँ से 2.45 लिखा, डिवाइड बाय 15 करो इंटू 100, मैं करके दूँ क्या मैच आपको, चलो मैं एग्जैक्टली बता देती हूँ, रुको, 2.45 इंटू 100, पहले डिवाइड कर लेते हैं, चलो 2.45 ÷ 15 × 100, दैट विल बी 16.33 आ रहा है मेरे पास, आपके पास भी यही आ रहा होगा, 16.33% आ जाएगा, ठीक है। आपने ये कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, आपने सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करना है। मैंने साइंटिफिक रखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बोर्ड पे फिर पकड़ना ईजी रहता है, आपने सिंपल कैलकुलेटर से यूज़ करना है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कौन से शॉप पे, ग्रोसरी की शॉप्स पे देखते हैं, वैसे कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर्स, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं, ठीक है। चलिए फिर, हाँ जी, इसका आंसर क्या है, 6.33%। तो जो हमारा कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन है वो 16.33% आ चुका है। इसमें कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में तो बताओ मुझे फटाफट से, क्लियर है चीज़, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन निकालना। चले आगे, चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो भी ध्यान से समझना। क्या कह रहे हैं, स्कोर्स ऑफ बैट्समैन दिए हुए हैं, फाइंड द वेरियंस ऑफ द स्कोर्स। वेरियंस निकालते हैं, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे। वेरियंस के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। आप मान के चलो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखा है अभी के लिए, ठीक है। आपको ये स्कोर्स दे दिए गए हैं, अभी मान के चलो वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन ही पूछ रहे हैं, वेरियंस बताती हूँ, क्लियर है चीज। तो ये हमें एक्स दे दिया और हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। सबसे पहला एग्जाम में सबसे जरूरी चीज है कि सबसे पहले आप स्टेटमेंट करेक्ट नोट करो, एक भी वैल्यू गलत हुई तो क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाएगा, चाहे आपको कितने अच्छे से फॉर्मूला आता हो। तो पहले वैल्यूज ध्यान से नोट करना, दैट विल बी 38 और क्या है वैल्यू 70 48, ध्यान से करना बिल्कुल वैल्यूज नोट, 34 42, दैट विल बी 55 63 46 54 44। एक बार ज़रूर चेक कर लेना वैल्यूज अपने एग्जाम में भी, नहीं तो फॉर्मूला चाहे सही हो, वैल्यू आपने गलत नोट कर ली तो एग्जाम कैसे ठीक होगा, है ना, क्वेश्चन कैसे ठीक होगा। अब ध्यान से देखो, ये मैंने एक्स की वैल्यू नोट कर ली, फटाफट से मुझे इसका मीन निकाल के बताओ, जल्दी से फटाफट से मीन बताओ इसका क्या रहा है, इन सबको ऐड करो, 38 + 70 + 48 कैसे मीन निकालते हैं, इन सबको प्लस करो और जितनी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दो, जल्दी से ऐड कर दो, जल्दी से फटाफट से सबको ऐड करके कितने हैं ये वैल्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं, जल्दी से ऐड करके बताओ क्या आंसर आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 494 / 10 आ रहा है 494, इनको ऐड करके मतलब डिवाइड करूंगी तो आंसर क्या आ रहा है, 49.4 आ रहा है इसका मीन। अगर आपके पास मीन पॉइंट्स में आ रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते अगर आपके पास मीन पॉइंट्स में आ गया। पहले मीन 15 आ रहा था, ये फॉर्मूला यूज कर लिया था, लेकिन अगर आपके पास मीन पॉइंट्स में, जैसे 49.4, फिर ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना, मैं दूसरा फॉर्मूला बता रही हूँ। बस दो ही फॉर्मूलाज हैं और नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के दो ही मेथड है, एक जो हमने आते आज क्लास में सीखा दिस मेथड, और एक अब मैं बता रही हूँ दैट्स इट। उसके अलावा हमने कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन किया है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किया है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन के दो ही मेथड है, एक ये जो क्लास में आते ही है और एक मैं अभी बता रही हूँ, क्लियर है चीज। ये कब यूज करते हैं, जब मीन मेरे पास कोई होल नंबर आ रहा है 12 13 14 15, तब ये वाला मेथड यूज करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट्स मीन आ जाए 13.2 14.7, तब जो मैं अब मेथड बता रही हूँ तब वो मेथड यूज करना है, ठीक है। मैं जाते हुए क्लास में, क्लासेस आते हुए आपको टेबल भी बनवा दूंगी, आपको बहुत ईजी लगेगा। लिखो फटाफट से, हेडिंग डालो, व्हेन नहीं लिखो, इफ लिखो, इफ मीन इज नॉट अ होल नंबर, अगर मीन होल नंबर नहीं है फिर लिखो क्या फॉर्मूला रहेगा, बहुत सिंपल है, सिग्मा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, ध्यान से देखना, समीशन डी स्केयर बाई एन माइनस समीशन डी बाई एन का होल स्केयर। दिस इज द फॉर्मूला जब एक मीन होल नंबर नहीं आता। डी क्या है यहाँ पे, एक्स माइनस ए, वो आपको मैं क्वेश्चन में कैलकुलेट करना बता दूंगी, ये फॉर्मूला नोट करो पहले फटाफट से, क्लियर है चीज। तो अगर मीन होल नंबर नहीं
नहीं है तब आप सिग्मा का ये फॉर्मूला यूज करोगे, लेकिन अगर मीन कोई पूरा पूरा नंबर है 15, 16, 17, फिर वो फर्स्ट वाला मेथड यूज करना है। क्लियर है चीज? ये बहुत सिंपल है। डी क्या है? एक्स माइनस ए। ए क्या है? एज्यूम्ड मीन। वो मैं आपको अभी फॉर्मूला क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगी कैसे यूज करते हैं, उसकी टेंशन छोड़ दो। यहां तक क्लियर है? चले आगे। तो ये फॉर्मूला नोट करके अब इसी फॉर्मूला का यूज करके हम इसका क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि इसका जो मीन है वो 49.4 आया है पॉइंट्स में आया, तो इस क्वेश्चन के लिए भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को नोट करते हैं साइड पे और फिर देखते हैं हमें चाहिए क्या क्या, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे टेबल में से। टेबल का कोई ऐसा नहीं है कि आपको कौन सा पहले चाहिए, टेबल में कुछ ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे रहने पहले मुझे ये नोट करना है। टेबल आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, फॉर्मूला जैसे आपको लर्न हो। ठीक है, अब क्या है फॉर्मूला जल्दी से यहाँ पे लिखते हैं, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अंडर रूट समीशन डी स्केयर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन का होल स्केयर। हमेशा समीशन पे फोकस करा करो, समीशन डी स्केयर चाहिए, मतलब वहां पे समीशन डी स्केयर के लिए एक डी स्केयर का कॉलम तो बनेगा, तभी उनको ऐड करके समीशन डी स्केयर आएगा, है ना। तो समीशन डी स्केयर मतलब एक डी स्केयर का कॉलम चाहिए, एक समीशन डी है यहाँ पे मतलब मुझे डी का कॉलम चाहिए, जो समीशन के साथ लिखा होता है मुझे उसके कॉलम्स तो चाहिए होते हैं, मतलब मुझे डी स्केयर का कॉलम भी चाहिए, डी का कॉलम भी चाहिए और एन की वैल्यू भी चाहिए। तीन चीजें मुझे चाहिए, डी स्केयर का कॉलम, डी का कॉलम और एन। ये चीज क्लियर है? यही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। यहां से ध्यान से देखना, ये मेरे पास एक्स है, डी क्या होता है? एक्स माइनस ए। ध्यान से देखना, डी का कॉलम बनाऊंगी मैं, डी क्या होता है? एक्स माइनस ए, फॉर्मूला में लिखवाया। ए क्या होता है? जो आपका मीन आया है, मीन कितना आया है? 49.4। इस सीरीज में कौन सी वैल्यू 49.4 के पास है? देखो कौन सी पास है, मुझे 48 मिल रही है, और कोई वैल्यू जो 49.4 के पास हो? नहीं, 48 है। तो ए क्या लेंगे? 48 लेंगे, जो आपका मीन पॉइंट्स में आया है उसके पास वाली वैल्यू आपने एक्स में से उठानी है, वो आपको ए दे देगा। ये चीज क्लियर है? चले आगे। अब ए क्या मिल गया? 48 मिल गया। अब करो एक्स माइनस ए, मतलब 38 एक्स माइनस 48, 70 एक्स माइनस 48, ऐसे हर एक एक्स में से आपने ये ए 48 माइनस करना है। दैट विल बी 34 माइनस 48 माइनस 48, ये सारे आप माइनस करके आंसर्स लिखोगे। लास्ट में जो इनके आंसर्स आएंगे उनको ऐड करोगे, आपको समीशन डी मिल जाएगा। कॉलम किसका है? डी का है, तो जब इनको ऐड करेंगे तो समीशन भी किसका मिलेगा? डी का मिलेगा। जिसका कॉलम अगर उसी को ऐड कर दिया जाए उसका समीशन मिल जाता है। समीशन का मतलब क्या होता है? सम होता है। क्लियर हो गई चीज? फटाफट से आंसर्स निकालो, इनको ऐड करके आंसर निकलो, फिर आगे चलते हैं फटाफट से। अब ध्यान से देखो, समीशन डी मैंने यहाँ पे निकाल लिया, ये रहा 14 आया, आप लोगों का भी आया। समीशन डी का काम तो हो गया है ना। एन हमारे पास अभी निकाल लेंगे, एन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एन की वैल्यू भी 10 आ गई। रह क्या गया? समीशन डी स्केयर, मतलब मुझे यहाँ से डी स्केयर का कॉलम भी बनाना पड़ेगा तभी समीशन डी स्केयर मिलेगा, राइट। फटाफट से करो यहाँ पे, ये 100 बाकी सबका स्केयर करो, 22 × 22, 14 × 14, 6 × 6। एक चीज और, जैसे माइनस 10 है, अगर आप माइनस 10 का स्क्वायर कर रहे हो, जब भी नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है, कभी भी स्क्वायर में नेगेटिव नहीं आता। तो यहाँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। तो यहाँ पे किसी में भी नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, क्योंकि जब भी नेगेटिव का स्क्वायर होगा वो किस में चेंज हो जाएगा? पॉजिटिव में। तो अगर 10 का स्क्वायर करूंगी 100, माइनस का क्या बन जाएगा? प्लस। तो सब में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। जल्दी से लिखो और इन को भी ऐड कर देना, आपको समीक्षण डी स्केयर मिल जाएगा। जैसे ही मैं कैलकुलेशन करने को बोलता हूँ, ये नहीं यहीं से नोट कर रहे हो, आप खुद कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज कर दो, आपके पास तो मतलब कंट्रोल है कि कैसे हम पॉज करके पहले काम कर लेते हैं। हाँ जी, कर लिए कैलकुलेट। ये रहा डी स्केयर, समीक्षण डी स्केयर भी मैंने निकाल दिया, दैट इज 1146। अब बारी है फॉर्मूला में डालने की, बहुत सिंपल है। देखो, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समीक्षण डी स्केयर। समीक्षण डी स्केयर मतलब क्या? दैट इज 1146 लिख देते हैं। नीचे क्या है? n, that will be 10, minus यहाँ पे लिखते हैं बार स्केयर, summation d, that will be 14, लिख देते हैं यहाँ पे, n क्या आएगा? 10, कुछ भी नहीं किया, देखो फॉर्मूला में डाला, summation d स्केयर, ये रहा 10, summation d by n का होल स्केयर, अब कुछ भी नहीं करना, that will be 114.6 माइनस 1.4 का स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको डिवाइड करोगे, 114.6 बनेगा, 114 को 10 से करोगे 1.4 बनेगा। फटाफट से मुझे 1.4 का स्क्वायर करके दो,
दो, जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। दैट विल बी 114.6 माइनस 1.96। दैट विल बी माइनस करो 112.64। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट 112.64 आ रहा है कि नहीं, जल्दी से चेक करो आ रहा है ये आंसर, सही है। ये तो क्या आया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। उन्होंने क्या पूछा था हमसे, वेरियंस पूछा था। क्या पूछा था, वेरियंस पूछा था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत? वेरियंस कैसे निकलता है, बहुत सिंपल होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो, आपको वेरियंस मिल जाता है। कैसे मिलता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं, हमें क्या मिल जाता है, वेरियंस मिल जाता है। ठीक है, वेरियंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अब मेरी बात ध्यान सुनो, हैशटैग 3 तक तो मैंने फॉर्मूलाज बताए थे, हैशटैग 4 दिस इज द फॉर्मूला फॉर द अनदर स्टैंडर्ड डेविएशन, अनदर फॉर्मूला फॉर द स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ दिस इज द फिफ्थ फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला फॉर द टुडेस क्लास, दैट इज कि वेरियंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब देखो वेरियंस चाहिए था मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आया 112.64, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, वेरियंस क्या आ गया 112.64। मैंने जानबूझ के इसका जो है रूट सॉल्व नहीं किया था, मुझे पता था मुझे इसका स्क्वायर करना है वेरियंस के लिए, तो मैंने इसको यहीं तक छोड़ दिया था। वेरियंस बोला था क्वेश्चन में, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोला था। वेरियंस के लिए भी पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दो तो हमें वेरियंस मिल जाता है। दिस इज द फॉर्मूला। आज की क्लास में टोटल 5 फॉर्मूलास किए हैं, मैं अभी यहां समराइज कराती हूं, क्या क्वेश्चन समझ आए, कैसे पुट करना है, क्या ये टफ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ है मुझे बताओ, मुझे तो बहुत इजी लगे, बहुत इजीली आप कर सकते हो। मतलब मैं इसलिए कह रही हूँ, मैथ्स में आप लोग बहुत सारी कैलकुलेशंस करते हो, आप कहीं ना कहीं स्प्लिटिंग में फंस जाते हो कहीं भी, लेकिन इसमें आपको फॉर्मूला आता है, टेबल से वैल्यू निकालो, पुटिंग करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती अगर आप ध्यान से काम कर रहे हो। ठीक है, अब फटाफट से देखो आज हमने क्लास में पढ़ा क्या, बहुत ईजी है। आज की क्लास में हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन के 2 फॉर्मूलास थे, ध्यान से समझते जाओ, बहुत ईजी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने फॉर्मूलास हैं, 2 फॉर्मूलास हैं। पहला फॉर्मूला, अगर हमारे पास जो मीन है वो होल नंबर आ जाए, अगर मीन क्या आ जाए, होल नंबर आ जाए, तो फॉर्मूला था दैट इज समीशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन। बहुत सिंपल फॉर्मूला है ना, अगर हमारे पास मीन होल नंबर आ जाए। लेकिन अगर मीन होल नंबर नहीं है, मीन क्या है, होल नंबर अगर नहीं है, तो फॉर्मूला रहने वाला है दैट इज समीशन डी स्क्वायर बाय एन माइनस समीशन डी बाय एन का होल स्क्वायर। D क्या है, x माइनस a। जैसे मेरे टिप्स पे ये फॉर्मूलाज हैं, आपके भी हो जाएंगे, लिख के प्रैक्टिस करना। ठीक है, जब भी कोई आपसे वेरिएंस पूछे, क्या पूछे, वेरिएंस पूछे, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दोगे, नथिंग एल्स। चाहे इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, वो मीन पे डिपेंड करता है, इससे भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हो, इससे भी मीन के अकॉर्डिंग जो भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे, अगर आप उसका स्क्वायर कर दोगे, आपको वेरिएंस मिल जाएगा। क्लियर है चीज? ये तो करे 3 फॉर्मूलाज। उसके बाद हमने कोफिशिएंट्स भी देखे कि अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन हो तो वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, और यही अगर कोफिशिएंट किसका हो, दैट इज वेरिएशन का, तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, जल्दी से बताओ, इनटू 100, और इसका आंसर परसेंटेज में लिखना, दैट्स इट। ये फॉर्मूलाज हैं आज के, आप हैशटैग 1, 2, 3 जिसको मर्जी नेम दो, ये 5 चीजें आज आपको मुझे क्लियर करनी थी। ये क्लियर है सारा, क्लियर हो गया। दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द इंडिविजुअल सीरीज। मीन पे डिपेंड करेगा आप कौन से फॉर्मूला से निकाल रहे हैं, वो वेरिएंस पूछ रहे हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इन तीनों के लिए आपको पहले स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन एक बार कैलकुलेट करने के बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है, आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, फिर लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज Dream Maths. Thank you so much for watching.